धोखा चिरागी जी दिए हैं, पशुपालक जी नहीं दिए हैं। बड़ों को हाथ छोटा को नहीं छोड़ना चाहिए। पिता पिता न होते हैं, पशुपति कुमार चिराग जी का पिता हुए, पिता के बदला पिता हुए। पारस जी पार्टी को नहीं बचाते तो लोक जनशक्ति पार्टी ध्वस्त हो जाता। पशुपति कुमार पारस जी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को बचाए। पार्टी के साथ दबंग विधि व्यवहार था चिराग जी का, इसलिए पार्टी बिखर रहा था, टूट रहा था। बनारस के लोग उनके जोड़े है, समझ गए ना, वही उनका माइंड को यहाँ पर देख सकते। धरती गूंजे आसमान राम विलास पासवान, इस तरह के नारों से उनके समर्थक राम विलास को याद कर रहे हैं। और अभी हम पशुपति पारस गुट के कार्यालय में, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में, और यहाँ पर राम विलास पासवान को याद करते हुए, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, आज उनको याद करते हुए यहाँ पे व्यवस्था की गई है। तमाम तो जो तरह की व्यवस्था की गई है, और रामविलास पासवान सोल्जर रामविलास पासवान की प्रतिमा यहाँ पर है, और इधर उनके सम्मान उनको यूँ कहें कि याद करते हुए एक भजन का भी व्यवस्था किया गया है। और बता दें कि एक वक्त थी कि दलित समाज के एक उद्धारक के रूप में रामविलास पासवान आते हैं और पूरे बिहार में एक क्रांति आती है, यूँ नहीं पूरे बिहार नहीं पूरे देश में क्रांति आती है, दलित क्रांति। और रामविलास पासवान को हमेशा याद किया जाएगा जब भी दलित समाज की बात आए बिहार में। पहले वो डीएसपी बने, डीएसपी से कहे कि इससे जो है दलित समाज का उद्धार नहीं होगा, फिर वो राजनीति में आते हैं। और वहीं आज दूसरी तरफ चिराग पासवान जो है हाजीपुर में, जो उनका पैतृक आवास है वहां पर हाजीपुर में प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। यहाँ पर एक भाई साहब है, क्या नाम हुआ आपका? हरिदर्शन पासवान। कहाँ से आए? वैशाली जिला महनार। महनार से आए हैं। आज रामविलास पासवान का जन्मदिन है, क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे नेता थे हमारे, अच्छे काम किए हैं। पशुपालक जी भी उनको भाई साहब है, बड़े छोटे वो भी अच्छे आदमी हैं। अच्छा, पर चिराग जी कह रहे हैं कि चाचा जी हमको धोखा दिए हैं। नहीं नहीं, धोखा चिराग जी दिए हैं, पशुपालक जी नहीं दिए हैं। बड़ों को हाथ छोटा को नहीं छोड़ना चाहिए, यही सब बात है। समझ रहे हैं, पिता पिता न होते हैं। पशुपति कुमार चिराग जी का पिता हुए, पिता के बदला पिता हुए। पिता के साथ रहेंगे कि पिता के छोड़ कर भाग जाएंगे? तो वही तो पार्टी जो है पशुपति पारस तोड़ लिए, पांचों सांसद अपने कब्जे में। नहीं नहीं, अगर पारस जी पार्टी को नहीं बचाते तो लोक जनशक्ति पार्टी ध्वस्त हो जाता। पशुपति कुमार पारस जी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को बचाए। कैसे बचाए? दो तीन तीन सांसद, चार चार सांसद भाग रहे थे अलग, लेकिन वही जाने और पार्टी को, सब सांसद को अपना हाथी में रख कर पार्टी को इज्जत बचाए और बिहार को लोक जनशक्ति पार्टी का और लोक जनशक्ति पार्टी का लोगों को मान सम्मान इज्जत देने का काम किए पशुपति कुमार पारस जी। हाँ, चिराग जी कह रहे हैं कि चाचा जी हमको धोखा दे। नहीं नहीं, ये गलत बात है। चाचा जी धोखा नहीं दिए हैं, ये सब गलत बात है, ये झूठ झूठ बोल रहे हैं। बड़े व्यवहार उनका था, क्या बोले? पार्टी के साथ दबंग विधि व्यवहार था चिराग जी का, इसलिए पार्टी बिखर रहा था, टूट रहा था। क्या विधि व्यवहार, क्या विचार था उनका? वो दबंगता पूर्वक जो चुनाव पीछे, बनारस का लोग है, एक बनारस के लोग उनके जोड़े है, समझ गए ना, वही उनका माइंड को यहाँ पर देख सकते हैं। पशुपति कुमार पारस जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और तस्वीरों में देख सकते हैं खास करके कि आज जो है रामविलास पासवान की जयंती समारोह मनाया जा रहा है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में। और यहाँ पर पशुपति पारस और उनके साथ उनके जो नेता हैं वो आए हुए हैं। और बता दूं कि आज रामविलास पासवान की जयंती है, इसको लेकर के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में जो है उनके याद में, उनके सम्मान में आज एक कार्यक्रम रखा गया है और यहाँ पर भजन कीर्तन के माध्यम से भी उनको याद किया जा रहा है। और यहाँ पर स्थिति है पार्टी कार्यालय की, अभी बहुत सारे लोग आए हुए हैं और आज कार्यक्रम रखा गया है। बहरहाल बने रहे हमारे विद्यार्थी साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।